द रिपब्लिकन टाइम्स। खबर ही नहीं, विश्लेषण भी। नमस्कार, मैं मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के हर प्रतिनिधि, सांसद, विधायक और विशेष तौर पर जो हम लोगों के बहुत ही लोकप्रिय मंत्री जो लगातार भ्रष्टाचार मुक्त करने पर कार्रवाई कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी, उनसे मेरा आग्रह है कि झारखंड बंटवारे के बाद जो आराध्य गुरु हैं हम सबके, बाबा शिव, शिव की एकमात्र आराध्य शक्ति बिहार के कोसी सीमांचल में सिर्फ सिंहेश्वर एक स्थान है। जैसा कि सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया, बिहार के विभिन्न जगहों के साथ साथ बाबा धाम जाने वाले कांवर के साधु जो हमारे भक्त लोग हैं उनके लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज दी गई, लेकिन सिंहेश्वर को वंचित कर दिया गया। मेरा आग्रह है आपसे कि मेरी कई संदर्भ में इस इशू पर आपसे बातचीत हुई, फोन पर आपसे मेरी लगातार बातचीत हुई कि सिंहेश्वर है, कुशेश्वर स्थान है, मुजफ्फरपुर का वो धाम है, लेकिन सबसे ज्यादा अपेक्षित कोई है तो सिंहेश्वर धाम है और कुशेश्वर। मेरा आग्रह है कि सिंहेश्वर के भक्तों के लिए और जहां पर शिव आ करके रात्रि विश्राम किए थे उस बाबा के स्थान के लिए आप निश्चित रूप से एक बड़ी आर्थिक पैकेज देने का निर्णय लें। आपसे बहुत उम्मीद है क्योंकि आप सीमांचल के ही भाई हैं, बेटा है, इसीलिए मेरा आग्रह है कि आप प्रभारी मंत्री भी हैं, साथ साथ सीमांचल के आप एक सेवक भी हैं, आप जरूर और निश्चित रूप से आप हर परिस्थिति में आप एक आर्थिक पैकेज देने का कष्ट करें। धन्यवाद, नमस्कार।